क्या देख रहे हैं यार? मैं देख रहा हूँ कराची का लाइफ स्टाइल, बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स, लंबी लंबी कारें, पैसा, सब कुछ। तो यार तू क्यों जेलस हो रहा है? ओ, तो जेलस नहीं हो रहा, लेकिन मैं भी एक दिन ये सब कुछ हासिल करूँगा, देखना। सब कुछ मिल जाएगा यार, लेकिन कब? मैं ये सब कुछ बहुत जल्दी हासिल करना चाहता हूँ। मुझे अपने मुल्क से प्यार है, बहुत प्यार है, लेकिन मैं यहाँ पे चाहे जितनी मेहनत कर लूँ, मैं वो कुछ हासिल नहीं कर सकता जो मैं करना चाहता हूँ। इसलिए मैं सोच रहा हूँ कि कुछ अरसे के लिए मुल्क से बाहर चला जाऊँ। नहीं असद, अभी तुम मुल्क छोड़कर नहीं जा सकते। यहाँ तुम्हारी माँ और तुम्हारी बहन को तुम्हारी ज़रूरत है। कहता तो यार तू भी सही है, लेकिन क्या खर्च हो, चलते चला। बोला ना तेरा काम हो जाएगा। हाँ अभी मैं जिम में हूं। ओके अम्मी, अम्मी, अम्मी। अरे भाई क्या हो गया? अम्मी ये एक जबरदस्त खबर है, आप सुनेंगी ना तो पागल हो जाएंगी। सॉरी सॉरी, मेरा मतलब है आप सुनेंगी तो बहुत 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 खुश होंगी। अरे भाई पता भी तो चले कि क्या बात। अम्मी आपको याद है मैंने एक हफ्ते पहले बैंक में जॉब के लिए इंटरव्यू दिया था? हाँ दिया तो था। तो खबर यह है कि मुझे वो जॉब मिल गई है। क्या? देखा सर, मैं ना कहती थी कि अल्लाह ताला तुम्हारी कोशिशों का सिला एक दिन तुम्हें जरूर देगा। वो तो है। साइमा का है? अभी बुलाती हूँ। साइमा, साइमा जी। अम्मी जल्दी आओ, बहुत खुशी की खबर है। भैया आ गए। तुम्हें पता है तुम्हारे भाई को बैंक में जॉब मिल गई है? सच भैया? अम्मी अब तो हमारी सारी फरमाइशें पूरी होंगी, है ना भैया? मेरी वो वाली घड़ी। हाँ हाँ हाँ, तुम्हारी सारी घड़ियाँ सब मुझे याद है। अब तुम्हारी सारी फरमाइश पूरी होगी, मुझे पहली तनख्वाह तो मिलने दो। अब एक अच्छी सी चाय पिलाओ। ओके थैंक गॉड, मैं अभी लाती हूँ। थैंक यू।
हाँ जी क्या हो? मार दिया यार, खत्म कर दिया। और तुम्हारा क्या रहा? बच गया यार। जरा टोनी को फोन कर लो। हेलो, हाँ टोनी, जिमी बोल रहा हूँ। माल मिल गया है, पैसे मिल गए, एक को मार दिया, एक भाग गया। हाँ ठीक है, चलिए। थैंक यू। अरे वो असद आया था, बता रहा था कि उसकी बैंक में जॉब हो गई है। अरे ये तो बहुत अच्छी बात है, बेचारा बहुत परेशान था, अच्छा हुआ उसकी जॉब लग गई। मुझे भी बहुत खुशी हुई। भाभी की तरफ गए हुए भी काफी दिन हो गए, अगर आप कल जल्दी आ जाएं तो वहाँ चलते हैं। चलो मैं कोशिश करूंगा, इंशाल्लाह जल्दी आ जाऊँ। चलेंगे कल। चलो ठीक है, मैं जरा बॉबी को देखूँ जाकर कि उसने होमवर्क किया कि नहीं। ऐसा सबक सिखाया है कि जिंदगी भर याद रखेगा। अब तो लाला गद्दारों कैसे ये चलना चाहिए ना? अच्छा खासा हमारे साथ था, रोटी कमा लेता था, अब सारी जिंदगी रोता रहेगा। हाँ टोनी, उसे सेठ नासिर का भी कुछ करना है। कई बार धमकियां देने के बावजूद उसे मेरी बात समझ में नहीं आती। अरे तो अपने तरीके से समझा दो ना बिलाल उसे। क्यों, क्या कहता है? शहर के जिस कीमती प्लॉट पर मेरी नजर होती है वो उसे महंगे से महंगे दामों खरीद लेता है और फिर वहां प्लाजा खड़ा कर देता है। पिछली बार भी मैंने उसे कहा था ये तुम्हारी लास्ट वार्निंग है, इस बार मैं उसे माफ नहीं करूंगा। तो किसने कहा तू माफ कर उसे? तू फिक्र ना कर, मैं जिमी से बात कर लूंगा। कामरान कैसा रहा तुम्हारा ट्रिप? बस अभी आया। जाफर, टोने के आदमियों ने हमारा माल गायब कर दिया है। लगता है कुछ करना ही पड़ेगा। नहीं, नहीं। टोनी और उसके आदमी बहुत होशियार हैं, हम उनका फिलहाल कुछ नहीं बिगाड़ सकते। क्या क्या हमें ये सब कुछ बर्दाश्त करना पड़ेगा? नहीं, मुझे कुछ सोचने दो। तो वैसे करो कि टोनी और उसके आदमियों पे नजर रखो कि वो कब और कहां जाते हैं, ताकि हमें पता चल सके
कि इनकी मूवमेंट्स क्या है, फिर हम उन पे डायरेक्ट या इनडायरेक्ट वार करेंगे। हमें उसको नुकसान पहुंचाना है, किसी भी कीमत पे हमें उसको नुकसान। हेलो, हाँ टोनी, बहुत दिनों बाद याद किया। अच्छा, कब आना है? ठीक है, मैं पहुंच जाऊंगा। ओके। आ यार, एक फाइनल राउंड और क्या। क्या किस्मत है यार, गाड़ी भी मिली और लड़की भी। जी, कैन आई हेल्प यू? एक्चुअली मेरी गाड़ी का टायर पंचर हो गया है और मुझे टायर चेंज करना नहीं आता। आप देख रहे हैं यहाँ कोई मैकेनिक भी नहीं है, मुझे घर जल्दी पहुँचना है, क्या आप मेरी मदद करेंगे? जी प्लीज जल्दी कीजिए ना। जी हाँ, मैं करता हूँ। कौन सा टायर? वो उधर मैं निकाल लूँ पाना वगैरह। अभी करता हूँ, एक मिनट बस। जरा जल्दी कर दे, मैं लेट हो रही हूँ। हाँ कर तो रहा हूँ। कहाँ फंस गया, लड़की भी मिली तो टायर बदलने के इम्तिहान के साथ। थैंक यू वेरी मच। अगर आज आप नहीं होते तो वो, असल में मुझे गाड़ी का टायर बदलना नहीं आता। व्हाट? अगर आपको टायर चेंज करना नहीं आता था तो आपने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? खामा खाई के लिए आपने मेरा वक्त जाया किया। हम मैं घर कैसे जाऊंगी? No, I am very sorry. लेकिन अगर आप चाहें तो मैं आपको अपनी गाड़ी में लिफ्ट दे सकता हूँ। आप फिर बाद में ड्राइवर को भेज के अपनी गाड़ी मंगवा लीजिएगा। चले डॉक्टर साहब ठीक ही कहते थे,
गाड़ी चलाने से पहले गाड़ी का टायर तब्दील करना सीखो। मैंने उनकी बात नहीं सुनी और आज शर्मिंदगी का सामना करना पड़ रहा है। वैसे लड़की है खूबसूरत। I'm so sorry. मैंने आपको बहुत तकलीफ दी। Actually, मुझे घर बहुत जल्दी जाना था और ऊपर से मेरी गाड़ी का भी टायर पंचर हो गया था। टेंशन में मैंने पता नहीं आपको क्या क्या कह दिया। नहीं, it's okay. गलती तो मेरी है ना। मुझे गाड़ी चलाने से पहले गाड़ी का टायर बदलना सीखना चाहिए था। Anyway, thank you very much. And my name is Karan. And my name is Asad. Nice to meet you. Thank you very much. Bye.